कैसे मुझे फाइनली महंगा सामान सस्ते में मिला कार्डिंग के थ्रू, कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, फाइनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो पसंद आने से लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अराउंड द वर्ल्ड में। मैं प्रतीक आप सबके साथ में एक बार फिर से एक और वीडियो कार्डिंग के ऊपर लेके आया हूँ। जी हाँ, कार्डिंग के ऊपर मैंने पहले दो वीडियो बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं वो दोनों ही वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों के दोनों वीडियो, तो मैं उन दोनों ही वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज़रूर जाएं और दोनों को देखना, आप ये वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उधर जाके ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। मेरे पिछले दोनों ही वीडियो को आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सभी के, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेक कमेंट्स मेरे को देखने को नज़र आ रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वो सारे के सारे फेक कमेंट्स पे आप बिलीव मत कीजिएगा। वहाँ पे कोई भी बहुत सारे अलग अलग टेलीग्राम के अकाउंट्स के बारे में बता रहे हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे बता रहे हैं कि ये रियल कार्डर है, ये रियल कार्डर है, ये आपको कार्डिंग करके दे देगा। लेकिन आप एक के ऊपर भी विश्वास मत कीजिएगा, कोई भी रियल नहीं है, सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं। मैं आपके लिए एक और तीसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ आप सभी के साथ, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कार्डिंग के ऊपर। जी हाँ, आप सब की तरह मैं भी कार्डिंग के अंदर था, बहुत टाइम तक था कार्डिंग के बारे में, पूरे दिन कार्डिंग के बारे में सोचता था कि कैसे मुझे 60,000, 80,000, 1,00,000 रुपये का फ़ोन 10-15,000 में, 4,000 में मिल जाए, कैसे मुझे आई वॉच कम रेट में मिल जाए और मेरे पास पैसे भी बच जाए और मुझे महंगा सामान भी मिल जाए। मैं पूरे दिन इसी चीज़ में लगा हुआ रहता था, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे कोर्सेज तक मैंने किए थे और मुझे अल्टीमेटली सब कुछ समझ में आ गया कि ये इंडस्ट्री कहाँ से और कैसे काम करती है। मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं अभी, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सबके साथ करना चाहता हूं। बात ऐसी है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं मेरे पास कि इतना फ्रॉड हो गया, इतना फ्रॉड हो गया, उनके पैसे रिकवर कैसे करें। तो रिकवरी के ऊपर मैं काफ़ी काम कर रहा हूं अभी, तो जल्दी एक वीडियो लाने की सोच रहा हूं। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अगर जानना है कि आप कैसे कार्डिंग के प्रोडक्ट का पैसा जो है, जो आपके साथ फ्रॉड हो गया है, उसको रिकवर कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मैं आपको कैसे हेल्प कर पाऊँ, कि आप कैसे अपने खोए हुए पैसों को वापस ले सकें। चलिए अभी हम बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं भी आप सबकी तरह YouTube में वीडियोस देखता था कार्डिंग के रिलेटेड। एक दिन मुझे एक कोई चैनल का नाम था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस चैनल का नाम, लेकिन काफ़ी रिनाउंड चैनल था वो, तो मैंने उसका वीडियो देखा। वो बता रहा था कि कैसे कार्डिंग करते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस बताया, फिर वो बताया कि आपको अगर कार्डिंग सीखनी है तो उसको मैसेज कीजिए, या फिर कार्डिंग के सामान मंगवाने हैं तो भी जाके उसको मैसेज कीजिए। तो फिर मैंने पहले मैसेज किया उसको, उसका व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ था, तो मैंने उसको मैसेज किया। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने उसको क्या मैसेज किया। तो मैंने उसको मैसेज किया और उसका रिप्लाई बहुत लेट से आता था। मैंने उसको कॉल भी ट्राई किया स्टार्टिंग में, तो उसका कॉल जो था सिम बंद आ रहा था। तो फिर मैंने उसको मैसेज करके रख दिया, तो फिर वो बोला कि थैंक यू, हाउ कैन आई हेल्प यू वगैरह। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं उसने क्या क्या मैसेज किया मेरे को। ऐसे करते करते मैंने उसको बोला कि आई वॉच चाहिए मेरे को, तो उसने बोला कि 4,000 रुपये लगेंगे, मैं आपको आई वॉच ऑर्डर करके दे दूंगा, 50% एडवांस रहेगा, 50% आपको डिलीवरी के बाद रहेगा। तो फिर मैंने बोला कि 50% एडवांस कैसे दे दूँ, उसने बोला नहीं 50% अभी एडवांस नहीं दे दूँ, जब मैं ऑर्डर कर दूंगा आपके लिए और ट्रैकिंग आई डी दे दूंगा आपको, उसके बाद मुझे 50% कीजिएगा। तब मेरे को उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं, तब तो ठीक है, ये मेरे को ट्रैकिंग आईडी दे देगा, तब वी कैन ट्रस्ट, अगर कुछ इशू होता है तो वी कैन कॉन्टैक्ट अमेजोन एंड रिजॉल्व आवर इशूज़। लेकिन उसने मेरे को तो फिर मैं मान गया था, फिर भी उसने एक दो दिन टाइम लगाया, दिखा रहा था कि वो काफ़ी बिजी है। फिर उसने किया, तो फिर मैंने उसको ऑर्डर दिया सामान, तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया पेटीएम से। उसके बाद हुआ ये कि उसने ऑर्डर कर दिया सामान, ऑर्डर सामान करके मेरे को वो स्क्रीनशॉट्स भेज दिया, तुम्हारा ये सामान, ये प्रोडक्ट है,
इतना अमाउंट का है, मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है, इतना पैसा लगा है तुम्हारा, और ये एड्रेस पे हो जाएगा, इतना तारीख को डिलीवर हो जाएगा सामान, पूरा एकदम डिटेल मेरे को भेज दिया था वो। तो वो लोग बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, वो लोग मांगते हैं तुम्हारा मतलब एक फॉर्मेट रेडी करके रखते हैं, नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका लैंडमार्क वगैरह सब कुछ वो लोग एक फॉर्मेट बना के रखते हैं, एज इफ लगेगा कि पूरा रियल है। वो लेंगे आपसे पूरा ऑर्डर उधर उसी नाम से देंगे। वो लोग सामान ऑर्डर करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो लोग सामान ऑर्डर नहीं करते हैं, ऑर्डर करके आपको वो ट्रैकिंग आईडी भेज देते हैं, ट्रैकिंग आईडी आप देख ले, फिर क्या होता है कुछ टाइम बाद वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, या फिर ट्रैकिंग आईडी भी जो भेजते हैं वो फेक भेज देते हैं, तो उसको कैंसिल कर देते हैं और पैसे अपने पास रख लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसने मेरे को ऑर्डर करके दे दिया, सारे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए, तो फिर मैंने देखा कि हाँ हाँ सही है। तो फिर दो दिन बाद लगभग मैंने उसको पूछा कि ये वो महंगा सामान है, प्रीपेड ऑर्डर है, तो वो लोग आने से यहाँ पे OTP मांगेंगे मेरे से। तो वो लोग उसने बोला मेरे को कि OTP मांगने से तुम मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुमको OTP दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ, मैं पूछा कि कब तक आएगा सामान, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं था। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने वापस से मैसेज किया तो उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। मैं उसके फ़ोन पे कांटेक्ट फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो अल्टीमेटली बात यही है कि उसने भी मेरे साथ फ्रॉड कर दिया था। ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि उसने मेरे साथ कैसे कैसे बात की थी, कितने प्रोफेशनली बात की थी उसने मेरे साथ, और उसने किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड किया। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये करके मैं समझ गया था कि कार्डिंग का कोई भी प्रोडक्ट आप कभी भी नहीं मंगवा सकते। यूट्यूब में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे कि जो बोलेंगे मैं कार्डिंग करके देता हूँ। मेरे पास इनफैक्ट इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेज आते हैं, ऑन ए डेली बेसिस बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप कार्डिंग करके देते हो क्या। अगर मैं किसी को हाँ बोल के किसी से एडवांस पेमेंट ले भी लेता हूँ ना, मेरे को मिल भी जाएगा और मैं इस तरीके से बहुत सारे पैसे भी कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा अल्टीमेटली मोटिव ये है कि आपका एक एक करके आप सभी का पैसा मैं बचाऊं। मेरे वीडियोस देख के मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरे पैसे बच गए, थैंक यू, मैं आज पेमेंट करने वाला था। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा वीडियो आके देखा और मेरी वजह से आपका एक रुपया भी बचा है। मेरा मेन मोटिव ही यही है कि आप सबका एक एक पैसा मैं बचाऊं, कोई भी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में जाके कोई भी पैसा ना गवाओ। अल्टीमेटली मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि कार्डिंग के चक्कर में फिर भी ना पड़िए आप। मेरे को अगर कोई कार्डर के बारे में सही में पता चलेगा कि कुछ जगह से आप कुछ कम प्राइस में आप सामान ला सकते हैं, मैं ज़रूर आप सबके लिए वीडियो बनाऊँगा और आप सबको बताऊँगा कि आप यहाँ पर जाके चले जाइए। लेकिन जब तक मैं कोई अच्छा वीडियो अपलोड नहीं करूं कि कार्डिंग इससे आप कार्डिंग करें, तब तक आप कोई भी कार्डर पे विश्वास मत कीजिएगा। YouTube, Instagram, Telegram, यहाँ तीन आप सबको यहाँ इस तीन जगह पे आप सबको बहुत ज़्यादा कार्डर्स मिलेंगे, आप एक के भी ऊपर विश्वास मत करना। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा एक्सपीरियंस और आगे के वीडियोज़ अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।